हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बड़ी लेटेस्ट न्यूज लेकर आए। न्यूज का मुखड़ा है भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की तरफ से एक सूचना। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी सूचना आपको भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से आई है। पूरी खबर सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज आपके लिए भारतीय प्रतिभूति की तरफ से क्या बड़ी अपडेट है। भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड की तरफ से सूचना आई है कि पीएसीएल का पैसा मिलना सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से निवेशकों की मांग को देखते हुए खुद राष्ट्रपति को एक कानून का विधेयक लाना पड़ा, क्योंकि अभी तक प्राइवेट कंपनियों के शिकार निवेशकों के लिए कोई कानून भारतवर्ष में नहीं था जिसका फायदा सत्ता में बैठे मंत्री से लेकर नेता और माफियाओं और सरकारी पद अधिकारी आदि आज तक फायदा उठाते आ रहे थे। अब तक इस तरह की ठगी का शिकार हुए लोगों के हितों की तरफ ध्यान रखते हुए कुछ कड़े विधेयक राष्ट्रपति जी की तरफ से आ चुके हैं, जिनकी अति शीघ्र लागू किया जाएगा। अतः भारतीय प्रतिभूति की तरफ से यह सूचना सार्वजनिक कर दी गई है। पीएसएल और सहारा का पैसा लौटाने की प्रक्रिया को सुचारू किया जाएगा। अतः आप सभी छोटी कंपनियों के निवेशक से हमारा अनुरोध है कि आप अपने पैसे को लेकर चिंता ना करें, भारतीय सरकार की न्याय प्रणाली पर भरोसा बनाए कर रखें। किसी भी निवेशक के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, पैसा सबको दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सभी कंपनियों का कार्य देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।